गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार मिशन अकेडमी इंटरफार्मिस तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो क्लास है आपकी वो बायोलॉजी की क्लास है और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर दिया है वो पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन और जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो जीव होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से जनन करते हैं, कैसे अपनी नंबर को बढ़ाते हैं, इसका जो नाम बन जाता है हमारे जीवों में जनन। इस टाइम जो जीवों में जनन होता है उस जनन की दो विधियां होती हैं। फिर कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। पहली जो विधि है उसको बोला गया है एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे एनिमल्स में होता है, बाइनरी फीजन
प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कई एनिमल्स में होती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एल्बिना हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इनके द्वारा इस प्रकार से होती है। देखो दैट वाज मैं एक डायग्राम लेता हूँ, ये डायग्राम से हम स्टूडेंट परिचित होगा क्योंकि इसकी कोई सेफ निश्चित नहीं होगी, इसको हम किसी प्रकार से करा सकते हैं। इसको दोस्तों सिंगल से थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आजकल ये थोड़ा डीपली भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। ये डायरेक्ट को ये अमीबा हो गया, अमीबा में देखो क्योंकि इसकी सेफ कभी फिर से नहीं होती है क्योंकि इसकी जो झिल्ली होती है ना आउटर मेम्ब्रेन, इसको होती है प्लाज्मा लेमन। तो जो प्लाज्मा जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा लचीली होती है, जब कोई बहुत ज्यादा लचीली होती है तो हम उस सेल को फिक्सन नहीं कर सकते, ठीक। इसी कारण अमीबा की आपसे कभी फिक्सन नहीं होती, निश्चित नहीं होती। देखो इसको क्लियर इसके डायग्राम कार्ड ध्यान रखना, इसमें सबसे बाहर की ओर एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को एक्सोजाइम कहा जाता है। अंदर की ओर होता है इसको एंडोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और इस बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको सिंपल भाषा में केंद्र बोला जाता है। स्टूडेंट में कभी इसकी पर्सनल क्लास में होगा तो उसको डिटेल से बताता हूँ, लेकिन अभी याद रखना अंदर क्यों होता है उसको एंडोप्लाज्म और जो बाहर की तरफ होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। सेंटर में एक पार्ट होता है इसको न्यूक्लियस या केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक की बात है वो बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में मैंने बताया था एक एनिमल से दो विभाजित होता है, और जो होता है केंद्रक है वो टू पार्ट में डिवाइड होने लगता है, ठीक। ये केंद्रक हुआ, केंद्रक का साइड का सर्व कंडीशन में आया और आने के बाद क्या हुआ केंद्रक का डिवाइडेशन कर लेता है। नेक्स्ट ये क्या करता है जो अमीबा होता है उसके फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है टू पार्ट में डिवाइड होने लगता है, और इसका जो केंद्रक है अंदर वो क्लियरली टू पार्ट में डिवाइड होने। अब यही दोनों प्रोसेस क्या करते हैं न्यू अमीबा या डॉटर अमीबा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डॉटर अमीबा, इसको बोलते हैं डॉटर या पुत्री अमीबा, ठीक है ना। किस प्रकार एक पेरेंट्स अमीबा से डिवाइड होते हुए यानी कि कैसे दो ओमेगा बनते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। दो एक कर दो लार्ज, हां वो ठीक कर दो।